बात है 1995 की। किशन नगर शहर में एक बड़े ही प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ रमन लाल रहा करते थे। उनकी चूड़ियों की फैक्ट्री थी जिसमें हजारों मजदूर काम करने आया करते थे। उसी फैक्ट्री में वीना नाम की एक औरत भी काम करती थी। वीना का आए दिन किसी न किसी से झगड़ा होता रहता था। वो बड़ी ही अजीब स्वभाव की थी। एक दिन सेठ रमन लाल ने वीना को अपने ऑफिस में बुलाया। रमन लाल गुस्से में अपने कैबिन में बैठा वीना का इंतजार कर रहा था। वीना कैबिन में आती है। जी सर, बुलाया आपने? हाँ वीना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने हमारी चूड़ियों की डिजाइन हमारे कॉम्पिटिटर महेश की फैक्ट्री में पहुँचा रही हो? मालिक, आपके किसी ने कान भरे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ठीक है, ये तुम्हारा कहना है, लेकिन सीमा भी कुछ कहना चाहती है। सीमा, पता था ये अपना मुंह जरूर खोलेगी। तभी केबिन में सीमा आती है। बताओ सीमा, क्या देखा तुमने? मालिक, मैं कई दिनों से वीना पर नजर रख रही थी। वो फैक्ट्री से कुछ चूड़ियों के सैंपल्स चुराती थी। एक दिन मैंने जब उसका पीछा किया तो देखा कि वीना महेश की फैक्ट्री में गई और किसी आदमी को वो सैंपल्स दे दिए। ये सुनकर वीना बुरी तरह घबरा जाती है। अपनी सफाई में अब भी तुम्हारे पास कोई बहाना बचा है क्या? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं, तुमने गद्दारी की है। वीना और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस फैक्ट्री में आती है। वीना के हाथ में जैसे ही हथकड़ी लगने वाली होती है, वो पुलिस को धक्का देती है और भागने लगती है। सीमा भागकर उसे दबोच लेती है और उसे कस के जकड़ लेती है। मुझे जाने दे सीमा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जाने दे मुझे। तभी पुलिस भागकर सीमा और वीना के पास आती है और वीना को गिरफ्तार कर लेती है। वीना जाते हुए गुस्से से रमन और सीमा को देखकर कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लेकर रहूंगी। दिन बीत जाता है। एक शाम सीमा रमन के पास आती है और कहती है, मालिक, आपको पता है वीना जेल से भाग गई है। क्या कह रही हो सीमा? तभी एक साया रमन के केबिन में उन दोनों को देख रहा है। जी मालिक, सुनने में आया है कि पुलिस उसके पीछे भाग रही थी और वो एक खाई में गिर गई। तब से उसकी कोई खबर नहीं है। शायद मर गई। चलो, हम तो अपने काम पर लगते हैं। सीमा, फैक्ट्री में विजय के पास जाओ और आज कितने प्रोडक्शन हुए हैं उसकी फाइल लेकर आओ। जी मालिक। वो साया सीमा को जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। सीमा फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। ऑफिस और फैक्ट्री में कुछ मीटर का फासला था। वो आगे बढ़ ही रही होती है कि उसके सामने से एक काली बिल्ली गुजरती है। बाप रे, इस काली बिल्ली ने तो मुझे डरा ही दिया था। वो फिर से चलने लगती है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सीमा पलट कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। कौन है? सीमा डरते हुए जैसे ही आगे देखती है, रात और काली घनी हो जाती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। वे आगे ही नहीं बढ़ पा रही। उसकी आंखें हवा से बंद होने लगती है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है। कैसी हो सीमा? सीमा आँख खोलती है तो बुरी तरह से चौंक जाती है। वीना की आत्मा उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है। वीना, तुम? हाँ, मैं। तुझे क्या लगा कि मैं मर जाऊंगी और तू आराम से अपनी जिंदगी जिएगी? तुझे भी मरना होगा। मैं इस फैक्ट्री को खंडर बना दूंगी। सीमा बुरी तरह से डर जाती है और भागते हुए रमन के पास पहुंचती है। क्या हुआ सीमा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो वीना वापस आ गई है। क्या बकवास कर रही है, वो तो मर चुकी है ना? मैं सच कह रही हूँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। वो बहुत खतरनाक है, हम सबको मार डालेगी। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से। मैं फैक्ट्री में सबको जाने के लिए कहता हूँ। रमन जैसे ही फोन उठाता है, उसके केबिन के लाइट्स जलने बुझने लगती है। मालिक, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सीमा और रमन जैसे ही केबिन से बाहर आते हैं, ऑफिस का गेट बंद हो जाता है।
वे देखते हैं कि गार्ड बेहोश पड़ा हुआ है। वे दोनों एक दूसरे की तरफ घबराते हुए देखते हैं। क्या हुआ, डर गए क्या? वीना की आत्मा उनके सामने भवंडर की तरह खड़ी हो जाती है। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अब तू मुझे बताएगा कि कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं। तू मेरा मालिक था, अब तू एक साधारण सा आदमी है जिसे मैं चुटकी में खत्म कर सकती हूँ। रमन भागने लगता है। वीना अपनी आंखों से ज्वाला निकालती है और रमन को भस्म कर देती है। रमन की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। सीमा ये सब देखकर बुरी तरह से कांप उठती है। मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। वीना अपना हाथ लंबा करते हुए सीमा को गर्दन से हवा में उड़ा लेती है। सीमा का दम घुटने लगता है। तूने ही मेरी शिकायत की थी ना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तुझे तो मरना ही होगा। वीना सीमा का गला दबाने लगती है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। वीना की आत्मा से डरकर सभी लोग काम छोड़कर वहां से चले जाते हैं और वो फैक्ट्री खंडर बन जाती है। कुणाल भंवर सिंह फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर एक्टर है। एक दिन कुणाल एक पार्टी अटेंड करने के बाद कुछ फैंस के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, वो भी कुणाल को ही देख रही होती है। कुणाल की नजर प्रिया पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। प्रिया बेहद खूबसूरत होती है। वो प्रिया के पास जाता है। हाय, क्या आपको भी सेल्फी क्लिक करनी है? तभी कुणाल का मैनेजर प्रकाश आता है। सर लेट हो रहा है, चले? हाँ थोड़ी देर में चलते हैं, आप बैठिए। जी नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ वो भी, पर मुझे आपसे मिलना था, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा नाम प्रिया है, प्रिया घोष। थैंक यू। आप भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं? मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, 6 महीने पहले ही मुंबई आई हूँ। कुणाल और प्रिया बात कर रहे होते हैं, उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। जाते वक्त कुणाल उसे अपना नंबर देता है। कॉल मी, मैं वेट करूंगा। और वहां से चला जाता है। प्रिया बहुत ही खुश हो जाती है। कुणाल और प्रिया में बाद में फोन पे बात होती है और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। प्रिया कुछ ही दिनों में कुणाल के साथ शिफ्ट हो जाती है। एक दिन कुणाल प्रिया के पास आता है और अपनी नीज पर बैठ जाता है। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें शादी कर लेनी चाहिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। प्रिया, अब अभी कैसे कुणाल, अभी तो मेरा करियर भी सेट नहीं हुआ है। मैं फिल्म में हीरोइन बनना चाहती हूँ, बहुत काम करना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह एक स्टार बनना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? चलो मैं तुम्हें कल ही प्रोड्यूसर से मिलाता हूँ। तो चलो इसी बात पर सेलिब्रेट करते हैं, ये लो मॉकटेल बनाया है तुम्हारे लिए, स्पेशल वाला। प्रिया को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो जाता है। 1 महीने बाद खबर आती है कि कुणाल ने आत्महत्या कर ली है। कुछ दिनों बाद कुणाल का लॉयर प्रिया के पास आता है। प्रिया मैडम, कुणाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, आपके साइन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे मेरा कुणाल वापस चाहिए। पता नहीं उसे क्या दिक्कत थी जो उसने मुझसे शेयर नहीं की और अपनी जान दे दी, मैं अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। आप धीरज रखिए, ये प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर दीजिए। एक आत्मा लॉयर और प्रिया को साथ में बैठा देख रही होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, गले में गोल निशान होता है। प्रिया जैसे ही साइन करने आती है, पेन से इंक लीक होने लगती है और पूरे पेपर पर गिर जाती है। अरे ये पेपर तो खराब हो गए, मैं दूसरे पेपर बना कर लाता हूँ। प्रिया के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। प्रिया के दरवाजे पर दस्तक होती है, वे दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। प्रिया उसे गले लगा लेती है। कल तक साइन हो जाएंगे पेपर, फिर कुणाल की सारी प्रॉपर्टी मेरी। प्रकाश, हम अमीर बन जाएंगे। कुणाल को ड्रग्स देकर मारने का हमारा प्लान काम कर गया, अब हम दोनों उसके पैसों से आराम की जिंदगी जिएंगे। वे दोनों प्रिया के कमरे में आते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। तभी उनके कमरे में उन्हें फांसी का फंदा लटका हुआ दिखता है।
और कुणाल की लाश बेड पर दिखती है। वे दोनों बुरी तरह कांप जाते हैं। भागो यहाँ से। वे दोनों हॉल में भागते हुए आते हैं और उनके सामने कुणाल की आत्मा खड़ी होती है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वे दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या को आत्महत्या साबित कर दी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। प्रकाश डर से भागने लगता है और कुणाल सामने आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। प्रकाश का दम घुटने लगता है, उसके पैर हवा में मिल रहे होते हैं। कुणाल प्रकाश का गला दबाकर उसे मार देता है। वो प्रिया की तरफ भागता है। मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। जो मैं कहूँगा तुझे करना पड़ेगा। प्रिया कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग का बटन दबाती है और बोलना शुरू करती है। मैंने और कुणाल के मैनेजर प्रशांत ने कुणाल को ड्रग्स दी और उसे बेहोश करके उससे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई और फिर उसका मर्डर कर दिया और उस सुसाइड की खबर न्यूज में फैला दी। अब इस रिकॉर्डिंग को न्यूज चैनल में भेजो। कर दिया, अब मुझे जाने दो। अब मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कुणाल किचन से एक चाकू उठाता है और प्रिया के हाथ में पकड़ाता है। वो उसे वश में करता है और प्रिया खुद को चाकू मार देती है। और उसकी मौत हो जाती है।